इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपने जहाज को भारतीय तट पर भेज दिया है। चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा डर भारत और अमेरिका की नजदीकी से ही है। चीन हिमायत करते हैं जबकि भारत अमेरिका का हामी है, क्योंकि भारत के पहले ही चाइना के साथ लद्दाख के मामले में ताल्लुकात अच्छे नहीं है। अमेरिका में जब भी डेमोक्रेट्स की हुकूमत आई है दुनिया में जंगों में इजाफा हुआ। और पाकिस्तान इंडिया से अगर मैं आपकी डिप्लोमेसी देखूं तो 100 साल पीछे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये ना नेशनलिज्म नहीं है। मोदी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है, हिंदुत्व का आइडिया देके उन्होंने सब हिंदुओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया है। इंडिया उनकी पूरी एक स्टेट संभाल के बैठा हुआ है। आप उनसे तवक्कुआत लगा लेते हैं कश्मीर की भी, आप तवक्कुआत लगा लेते हैं कि ये हर चीज लिटमस टेस्ट, बिल्कुल एक प्लेन उतार के चाइना की पूरी औकात की हवा निकाल दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं पाकिस्तान की बात, पाकिस्तानी नेशनल मीडिया की जापानी कैसे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे अगली वीडियो आप और देश तक पहले पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और देश को हिम्मत मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद। अमेरिका ने अपना एक बड़ा जहाज भारत के तट पर भेज दिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपने जहाज को भारतीय तट पर भेज दिया है। यह खबर चीन को बेचैन करने वाली है। दरअसल अमेरिका का एक बड़ा जहाज 11 दिनों के लिए भारत के तट पर खड़ा रहेगा। अमेरिका के इस जहाज का नाम चार्ल्स ड्र्यू है। आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि अमेरिका का यह जहाज मरम्मत के लिए चेन्नई के कट्टुपल्ली शिपयार्ड में आया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इसके कई रणनीतिक फायदे मिलने वाले हैं। अमेरिका का ये जहाज भारत ऐसे समय पर पहुंचा है जिस वक्त चीन और ताइवान के बीच चीन को इस वक्त सबसे ज्यादा डर भारत और अमेरिका की नजदीकी से ही है। चीन जानता है कि भारत और अमेरिका का इस तरह से नजदीक आना उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। चीन इसलिए भी परेशान है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका की सेनाएं उत्तराखंड में LAC के पास एक बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही हैं। और अब इन सभी के बीच अचानक भारत के तट पर अमेरिकी जहाज का पहुंचना साधारण घटना तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका का ये जहाज अमेरिकी नौसेना को हिंद प्रशांत क्षेत्र में जंगी बेड़े के संचालन में अहम योगदान देता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। भारत के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने अपने जहाज को रिपेयरिंग के लिए भारत भेज दिया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सब कुछ भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सामरिक समझौतों की वजह से संभव हो पाया। और पाकिस्तान इंडिया से अगर मैं आपकी डिप्लोमेसी देखूं तो 100 साल पीछे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये ना नेशनलिज्म नहीं है। मोदी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया है, हिंदुत्व का आइडिया देके उन्होंने सब हिंदुओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर दिया है। आप जिस चीज चीज के एलाइज बन रहे हैं उसका मुस्तकबिल क्या है? आपके पास तो अपने खाने पीने की चीजें नहीं है, आप तो खुद IMF की किस्त की वेट कर रहे हैं बिल्कुल। और दूसरा बात सोच रही होंगे ना कि चाइना जो है वो हमारा सबसे करीबी दोस्त है, उससे कहेंगे, उससे करवाएंगे अपने लिए। चाइना की मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगा, चाइना की हिस्ट्री देखें तो उनकी हर चीज के पीछे फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। वो इमदाद नहीं करते, वो बिजनेस डीलें बनाते हैं। वो आपके जाके वहां पे डैम नहीं बनाएंगे, वो आपकी गुडविल नहीं करेंगे, वो हर चीज मनी बेस करते हैं। और उनकी एलाइज की लिस्ट देखें, उन्होंने आज तक अपने एलाइज के लिए कितनी जंगें लड़ी हैं? एक भी जंग नहीं। उनका इंटरेस्ट ही नहीं है जंगों में। उनकी तरक्की का सीक्रेट ये है कि वो जंगों में इन्वॉल्व नहीं होते। इंडिया उनकी पूरी एक स्टेट संभाल के बैठा हुआ है, जो हिमाचल स्टेट उनकी स्टेट, वो उनसे उनके पास सकत ही नहीं है कि इंडिया से वो कन्फ्रंट कर सके। आप उनसे तवक्कुआत लगा लेते हैं कश्मीर की भी, आप तवक्कुआत लगा लेते हैं कि ये हर चीज हमें चला के देंगे। इससे अमेरिका का जंगी जुनून आपको अच्छी तरह नजर आ जाता है। अब अमेरिका की ये सारी डेवलपमेंट दिनों में तो नहीं हुई है, बल्कि इसके लिए पूरी मंसूबाबंदी की गई। पहले रशिया और यूक्रेन की जंग हुई, इत्तेहादी और नेटो की फौजों के साथ मिलकर इस जंग को हवा दी गई। अब रशिया जैसे ही वहाँ बिजी हो गया तो उस पर चाइना के साथ कशीदगी में इजाफा किया गया, ताकि अगर चाइना मदद के लिए किसी दोस्त मुल्क को पुकारना भी चाहे तो उसकी को मदद। लिटमस टेस्ट, बिल्कुल एक प्लेन उतार के चाइना की पूरी औकात की हवा निकाल दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। CCP का पोलिटिकल व्यू, जी जिनपिंग की औकात, उनकी आर्मी, उनकी नेवी, उनका एयरफोर्स, उनका वर्चस्व, उनका जियोपॉलिटिकल स्टैंड,
सब पता लग गया, एक जहाज उतारा, डेट हाईएस्ट लेवरेज, डेट हाईएस्ट लेवरेज इकोनॉमी चाइना कैसे, ठीक है जी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये कहानी समझ आ गई, उन्होंने एक पीसीओएबी एक्ट लाया, उन्होंने कहा जो तुम्हारे 3 साल का अकाउंट है वो यूएस ऑडिटर्स को ऑडिट कराना पड़ेगा, तब हम तुम्हें लिस्ट करने देंगे, नहीं तो यहां से लिस्टिंग हटाओ। रोहित भाई 800 कंपनियां हैव डिलिस्टेड फ्रॉम अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, सेइंग इट्स अ स्टेट सीक्रेट। व्हाट ब्लडी हेल, व्हाट इज अ स्टेट सीक्रेट? ऑडिट स्टेट सीक्रेट है क्या? तो तुम फर्जी वाला कर रहे हो, इनके खून में धोखा है। मैं आपको बताऊं, इन्होंने बोला हिंदी चीनी भाई भाई, तब भी पीठ में छुरी घुसाई। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। दोस्तों मैं सुधांशु श्रीवास्तव आपसे अभी तक वॉइस ओवर में बात करता हूँ। सेटअप कंप्लीट होने पर कोशिश करूँगा आपसे लाइव में, वीडियोस में भी फेस टू फेस बात करने की।